प्रेम शुक्ला, आज आपने वो देखी होगी ना तस्वीर, वॉशिंग मशीन लेकर आते हैं और कहते हैं कि जो इसमें भ्रष्ट नेता आता है वो धुल के साफ हो जाता है। मेरे पास उसकी लिस्ट भी है, अशोक चौहान, हेमंत विश्व शर्मा, अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, हसन मुशरिफ, आरोप तो बहुत गंभीर लगाए गए हैं, सवाल इसमें नैतिकता का भी है, क्या कहेंगे इस पर? विवेक जी, इसका एक दूसरा अर्थ यह है कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, ये इंडी अलायंस के तथा कथित जो सदस्य हैं, ये क्या कीचड़ के तालाब हैं क्या, कि इनके यहाँ जो कोई रह रहा है वो कीचड़ से संलिप्त है, एकदम से सना हुआ है, कि जब श्रीमान जो है अरविंद अशोक चौहान इनके यहाँ आदर्श घोटाले के आरोपों के बाद जब ये सैंक्शन की परमिशन नहीं देते हैं और मंत्री बनाते हैं तो बड़े क्लीन होते हैं वो, भारतीय जनता पार्टी में आते करेंगे ड्राई क्लीन हो गए हैं वो। तो आपने बीड़ा उठाया है क्या सफाई का? चाह रहे हैं भाई, तो आपने बीड़ा उठाया है क्या? शर्मा को मंत्री बनाए बैठे थे? नहीं, हेमंत नहीं, अगर वो क्लीन कर दे तो हम उनको कीचड़ डाल दें उनके ऊपर, हमने बीड़ा नहीं उठाया, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं विवेक जी? नहीं, अगर जो आरोप ये कह दें इनके यहाँ रहे तो क्लीन है वो, नहीं हाँ नहीं, आरोप वही, तो आप अपनी बात पूरी करिए, आरोप कब लगा? 2000, हाँ सुन लीजिए ना, अब सुन लीजिए, 2009 में आरोप लगा उन पर आदर्श घोटाले का, ठीक है, इन्होंने मुख्यमंत्री पद से हटाया, उनकी जांच हुई, जांच के समय जब प्रोसिक्यूशन की परमिशन मांगी तो पृथ्वीराज चौहान की सरकार थी, शंकर नारायण गवर्नर थे, उन्होंने परमिशन देने से इनकार कर दिया कि इनके इनके खिलाफ अभियोजन की अनुमति नहीं दी जा सकती, उनको फिर से उद्धव ठाकरे सरकार मंत्री बना दिया। तो अगर वो इतने गंदे थे, कीचड़ से सने थे, तो मंत्री क्यों बना दिया? ये कीचड़ के तालाब ही है, इनके यहाँ सब गंदे रहते हैं। अब वो जैसे ही भाजपा में चले आए तो उनको याद आ गया, अरे ये तो आदर्श में थे, तो इसका क्या मतलब है ये जरा बताइए? ये कांग्रेस के श्रीमान पवन खेड़ा बखेड़ा खड़ा करने के पहले इस प्रश्न का उत्तर भी दे दें। ये उनके जो प्रवक्ता आएंगे, ये मैं उनसे पूछूंगा जरूर, वो और आपको दो चार उदाहरण दे सकता हूं। ठीक है, अब मुदित अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपके इसी सवाल का जवाब मैं उनसे पूछूंगा, लेकिन तब तक कुलदीप कुमार जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं उनसे पूछ लेते हैं, आपका क्या होगा? पहली बात तो भाजपा की वॉशिंग मशीन में अभी अभी की वॉशिंग मशीन, मेरी आवाज रिपीट हो रही है विवेक जी, मेरी आवाज रिपीट हो रही है, पीसीआर जरा आवाज ठीक करिए। हाँ, अब अपनी रखिए बात, आ रही है मुझ तक साफ आवाज आ रही है, रखिए बात। हाँ, भाजपा की वॉशिंग मशीन में विवेक जी अभी एक नए दागी और धुले हैं, जिनका नाम है प्रफुल्ल पटेल। सीबीआई ने 840 करोड़ रुपए के मामले प्रफुल्ल पटेल को एयर इंडिया विमानपट्टन मामले में सीबीआई ने अपनी जांच को बंद कर दिया है, क्योंकि अब वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं, अब वो बिल्कुल मोदी डिजिटल पोर्टल से नहा चुके हैं, और ये तो अब एक नई प्रथा शुरू हो चुकी है कि जितने भी ऐसे दागी हैं सबको भारतीय जनता पार्टी, जिनके खिलाफ मोर्चा खोलती थी, जिनको कहती थी वोटर स्कैम में घोटाले बाद हेमंत विश्व शर्मा है जिनकी भी बात कर रहे थे, जिस आदर्श घोटाले की बात अभी यहां पे कर रहे थे, अशोक चव्हाण की बात कर रहे थे, ये सारे दागी भाजपा की वॉशिंग मशीन में नहा धो के साफ सुथरे हो चुके हैं। अरे कितना बड़ा झूठ, कितना बड़ा धोखा मोदी जी ने देश को देने का काम किया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।